बढ़ते हैं आगे, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो बड़ी जानकारी आपको एक और देते हैं कि विधान परिषद की जब 2 सीटों पर वोटिंग जारी है तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वोट डाल चुके हैं और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज भी कसा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि आप नौकरी नहीं दे रहे, अवसर छीन रहे हैं। ये तंज कसा गया है, बीजेपी संविधान में मिले अधिकार छीन रही है, ये भी कहा गया है। दरअसल पूरी जानकारी आपको देते हैं कि विधान परिषद की 2 MLC सीटों पर वोटिंग जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले मतदान कर चुके हैं क्योंकि वोटिंग सुबह 9 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी और शाम 5 बजे रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार चल रहा है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, आखिरकार ये समाज जाए कहाँ। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव मतदान करने विधानसभा पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से बात की। ऐसे चुनावों में बीजेपी के लगातार जीतने की परंपरा के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि परंपरा ये है कि पिछड़ों को जिताया जाए और पिछड़ों को जोड़ा जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो। परंपरा तो ये है कि पिछड़ों को जिताया जाए, पिछड़ों को जोड़ा जाए, बहुजन के साथ अन्याय ना हो। हमारा संविधान ये कहता है और संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? आज भारतीय जनता पार्टी को परंपरा क्यों याद आ रही है? इन लोगों के लड़ने से ये बात साफ हो कि पिछड़े और दलितों का हक कौन छीन रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेटरल एंट्री क्या है, आउटसोर्स क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है और यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेजों में भर्ती, कॉलेजों में नौकरी, आप यूनिवर्सिटी में देखिए भर्ती किसकी हो रही है। मन चाहिए अपने लोगों को यूनिवर्सिटी में भर्ती दे करना, नौकरी उन्हें देना, आप नौकरियां छीन रहे हैं, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार ये समाज जाए कहाँ। और फिर सबसे ज़्यादा आप डंका पीटते हैं इस बात का कि पिछड़े और दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हो, आप उनका हक छीन रहे हो। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आप दूर रखना चाहते हैं उन्हें।